फिर लापरवाही देखने को मिली। जी हाँ, यदि पुलिस समय रहते कोई ठोस कार्रवाई करती तो दबंग घायल से दोबारा मारपीट न करते। लेकिन पुलिस ने दो दिन पहले हुए झगड़े को हल्के में लिया और दबंगों ने कल फिर घायल से मारपीट की, जिससे घायल की मौत हो गई। बहजोई थाना के गांव नाधोस निवासी शिशुपाल पुत्र जमन अपने घर के सामने बीते मंगलवार को बैठा था कि तभी मुकेश अपने साले कपिल के साथ अपनी बाइक से जा रहा था, जो शिशुपाल से छू गई और इसी बात पर कहासुनी होने लगी और मारपीट भी शुरू हो गई, जिससे शिशुपाल घायल हो गया। घायल शिशुपाल ने बहजोई थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर की, लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई न करते आरोपी से मिलकर फैसले का इंतजार करने लगी। घायल इलाज के बाद अपने घर वापस आ गया, लेकिन आरोपियों को घायल का घर आना अच्छा नहीं लगा और दबंग आरोपियों ने घायल के साथ दोबारा मारपीट की और घायल शिशुपाल को गंभीर हालत में जिंदा छोड़ा, लेकिन शिशुपाल की देर रात्रि इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अपना कारनामा छिपाने के लिए आनन फानन में आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन दूसरा आरोपी मुकेश का साला कपिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यदि पुलिस पहले दिन ही मामले का संज्ञान लेती तो इस 40 वर्षीय युवक की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस आरोपियों से मिलकर फैसले का इंतजार करती रही, जिससे एक घटना देखने को मिली। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजन फिर से तहरीर देने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।